हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि यह सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में ही सही, हो कहीं भी आग ये आग जलनी चाहिए। कुछ समय पहले मैंने एक वीडियो किया था और वो वीडियो बहुत सारे लोगों ने देखा, हो सकता है कि आपने भी देखा होगा, और नहीं देखा होगा तो प्लीज उसे देख लीजिएगा। उस वीडियो में जो रिस्पॉन्स आया और आज की डेट में ढेरों क्वेश्चन, ढेरों सवाल मुझसे पूछे जाते हैं, उनमें से सबसे बड़ा जो सवाल है वो ये कि सर हम क्या कर सकते हैं। तो आज इस वीडियो में मैं ये बताने आया हूं कि आप एक छोटा सा प्रयास कर सकते हैं, अपनी आवाज को बुलंद कर सकते हैं, बिना कहीं धरना दिए, बिना कहीं प्रोटेस्ट किए आप ये काम कर सकते हैं। दूसरा कि आप क्या कर सकते हैं, इस बारे में मैं बाद में बात करूंगा, पहले उन सभी लोगों को जवाब दे देता हूं जिन्होंने मुझे थोड़ा सा अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे हैं। देखिए, जब कभी भी हम आवाज उठाते हैं तो लोग उसका गलत फायदा उठाते हैं। मैंने ये आवाज इसलिए उठाई थी, मैंने वो वीडियो इसलिए बनाया था, सबसे पहला सवाल मेरे पास यही आ रहा है कि आपने ये वीडियो बनाया ही क्यों। तो सबसे पहला सवाल का, इस सवाल का जवाब यही है कि ये वीडियो मैंने क्यों बनाया। ये वीडियो मैंने बनाया इसलिए नहीं था कि लोग इसका राजनीतिकरण कर दें, लोग इसका पॉलिटिकल फायदा उठाने लगे। मैं किसी सरकार, किसी धर्म, किसी जाति के खिलाफ कतई नहीं हूं, और सिर्फ मैं जो हूं ये मैं नहीं हूं, मेरा जो ये पूरा का पूरा परिवार है जिसमें लाखों लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं वो सभी मेरे साथ हैं। मैं तो बस उनकी एक आवाज हूं, और इस आवाज का दम आपको देखने को मिला होगा वीडियो में। लाखों कमेंट है, लाखों लोगों ने देखा है उसको, और लगातार आज भी वो फेसबुक पर शेयर हो रहा है। वीडियो मैंने इसलिए बनाया था क्योंकि मेरे कुछ स्टूडेंट बहुत ज्यादा मायूस हो रहे थे, उनको लग रहा था कि उनकी जिंदगी खत्म होने वाली है और ये एग्जाम जो उनको सहारा दे सकता था, ये एग्जाम लगातार लेट होता चला जा रहा था। लेट होने की बात भी छोड़िए, लेट होता तो हम एक बार बर्दाश्त कर लेते कि एक साल बाद एग्जाम हो जाएगा, दो साल बाद एग्जाम हो जाएगा, तीन साल बाद एग्जाम हो जाएगा। मैं बात कर रहा हूं आरआरबी एग्जाम की। अगर आरटीआई की बात करें तो जो अभी हाल ही में आरटीआई दाखिल की गई है उसके जरिए जो आंसर आया है वो आंसर भी बड़ा गोलमोल सा है। उन्होंने कह दिया है कि अभी हम वेंडर डिसाइड करेंगे, टेंडर जारी किए जाएंगे, टेंडर जारी किए गए हैं कि नहीं किए गए, किसी भी तरीके का कोई साफ जवाब नहीं मिल रहा है। अरे भाई, आप टेंडर तो जारी करो, टेंडर जारी करोगे तो वेंडर आपके पास आएंगे, फिर आप वेंडर सेलेक्ट करोगे, फिर वेंडर सेलेक्ट करोगे तो वो कैंडिडेट सेलेक्ट करेंगे, इन सब प्रोसेस में काफी टाइम जाएगा मैं मानता हूं, लेकिन आप प्रोसेस तो स्टार्ट करो। ऐसा ही एसएससी सीजीएल 2017 के साथ हुआ था। आप सभी को पता है कि उसमें काफी सारा लोगों को प्रोटेस्ट करना पड़ा, काफी सारा लोगों को इकट्ठा होना पड़ा और बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ी ताकि वो जो वैकेंसी है वो क्लियर हो पाए, और अब जाके वो वैकेंसी क्लियर हो पाई है, अब लोगों की ज्वाइनिंग आना शुरू होने वाली है। उत्तर प्रदेश में भी एक भर्ती है 69,000 शिक्षकों की, 70,000 जिनको नौकरी मिलने वाली है, 69,000 लोगों को जिनको नौकरी मिलने वाली है, वो चंदा चोरों के चक्कर में फंस गए। हुआ क्या, वैकेंसी आई, लोगों ने फॉर्म डाले, फिर उसके बाद एक लिखित परीक्षा होती है, वो लिखित परीक्षा हुई, फिर लिखित परीक्षा के बाद कुछ सरकार ने शायद कट ऑफ जारी कर दिया, कट ऑफ जारी करने के खिलाफ लोग कोर्ट में गए, फिर वो कोर्ट के बाद भाई इंसाफ नहीं मिल रहा है, मिला और बार बार मिल रही है तो सिर्फ तारीख पे तारीख। मैं समझता हूं कि वो पछड़ा, मान लीजिए कोर्ट में है, उसमें सरकार का कोई योगदान नहीं, सरकार उसमें कुछ नहीं कर सकती। सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि मनसा सही नहीं लग रही, जो इरादे हैं वो थोड़े से ठीक दिखाई नहीं दे रहे। भाई, अगर कोर्ट केस में गया है तो आप कोर्ट केस की सुनवाई कुछ इस तरीके से करवाइए। मैंने जो भी उसकी बहस देखी 69,000 भर्ती की, वो अभी तक मुझे ऐसी नजर आ रही है कि लोग बार बार डेट मांग रहे हैं, एक तारीख के बाद दो तारीख के बाद तीन तारीख, हर डेट पे वकीलों को पैसा जाता है, हर डेट पे जो चंदा इकट्ठा करने वाले हैं वो चंदा इकट्ठा करते हैं, लाखों रुपए चंदा कमा लिया, जो मोटरसाइकिलों से चलते थे वो स्विफ्ट डिजायर जैसी गाड़ियों से चलने लगे हैं, और ये क्रम लगातार चालू है, वैकेंसी लेने का नाम नहीं ले रही। हाल फिलहाल दो दूसरा क्वेश्चन मुझसे पूछा गया, वो ये पूछा गया कि सर ये बताइए कि हम कर क्या सकते हैं। तो ये वीडियो मैंने आपको इसीलिए बनाया है कि आप अपनी आवाज उठा सकते हैं, इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से, हमारे चैनल के माध्यम से आप अपनी आवाज उठा सकते हैं, और आवाज उठाने का तरीका बहुत शालीन तरीके से है। आप सभी ने ट्विटर का नाम तो सुना ही होगा, अगर आपका ट्विटर पे अकाउंट नहीं है तो ट्विटर पे अकाउंट खोल लीजिए, ट्विटर पे अकाउंट पर एक हैंडल शेयर करिए, #RRBExam कराओ। जितना ज्यादा आप इसे ट्वीट करेंगे,
जितना ज्यादा आप इसे रीट्वीट करेंगे, जितना ज्यादा आप ये शेयर करेंगे, और साथ साथ सभी मंत्रालयों को टैग कर दीजिए। अगर आप टैग नहीं कर सकते हैं तो हमने ये ट्विटर हैंडल का आपको लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां पर जाइए, यहां पर एक रीट्वीट का ऑप्शन आता है, इसी टैग को बार बार, इसी हैंडल को बार बार रीट्वीट करते चले जाइए, रीट्वीट विथ कमेंट करिए, अपने कमेंट लिखिए, जो भी बातचीत आपको लगती है वो लिखिए। हाल फिलहाल अभी क्या होगा, अभी जैसा कि उनको टेंडर लेने की कोई जल्दी नहीं है, उनको वेंडर डिसाइड करने की कोई जल्दी नहीं है, लेकिन अगर आप एक माहौल बनाएंगे, एक एनवायरमेंट बनाएंगे और इस प्लेटफॉर्म का प्रयोग करेंगे, ट्विटर का प्रयोग करेंगे, तो निश्चित रूप से यह बात नेशनल नहीं रहेगी, यह बात इंटरनेशनल लेवल पर पहुंच जाएगी। और इसको पहुंचाने का सबसे अच्छा तरीका है कि आपको अपने घरों से बाहर नहीं निकलना है, कोई प्रोटेस्ट नहीं करना, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैं प्रोटेस्ट के लिए आप लोगों को बुलाऊंगा तो बहुत सारे लोग आ जाएंगे, जैसा कि बहुत सारे लोगों ने मुझे फोन करके कहा कि सर आइए मिलते हैं, वहां पर मीटिंग कर लेते हैं, और बहुत सारे, देखिए भीड़ जब आती है तो अराजकता भी आती है, मैं किसी तरह की कोई अराजकता नहीं चाहता हूं, क्योंकि अगर मान लीजिए इस तरह की कोई अराजकता होती है और पुलिस वाले कुछ ऐसा कर देते हैं या कोई प्रशासन इस तरह का कोई कदम उठा लेता है जिसमें कि मेरे किसी भी स्टूडेंट को चोट पहुंचती है, वो मेरे लिए सबसे खतरनाक हो जाएगा, और मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता हूं। मैं सिर्फ आवाज उठाना चाहता हूं, बेहद शांतपूर्ण तरीके से उठाना चाहता हूं, और इसका सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप इसे ट्विटर पर हैंडल करिए, ट्विटर हैंडल को जितना ज्यादा आप शेयर करेंगे उतना ही ज्यादा यह बात आगे पहुंचेगी। अगर यह हैंडल ट्रेंडिंग में आ जाता है तो यकीन मानो दोस्त, सरकार को हर हाल में एक महीने के अंदर कोई ना कोई स्पष्ट जवाब देना पड़ेगा, आरआरबी को कोई ना कोई स्पष्ट जवाब देना पड़ेगा, यह बात आप सभी समझते हैं। दूसरा सवाल एक और था कि भाई क्यों लोगों को भड़का रहे हो, यह बताओ क्या आप लोग दूध पीते बच्चे हो, मेरे भड़काने से आप भड़क जाओगे या कोई भी आपको भड़काएगा तो आप भड़क जाओगे? पढ़े लिखे लोग हो आप लोग, सभी लोगों को पढ़ाई लिखाई मौजूद कराई गई है, सभी लोगों को उनके मां बाप ने अच्छे से पढ़ाया लिखाया है, और अगर आप इस हैंडल को शेयर करते हो तो मुझे नहीं लगता इसमें कुछ भी गलत करने जैसा है और भड़काने जैसा कुछ नहीं है। आपको लगता है तो आप शेयर करो, आपको लगता है नहीं ऐसा कुछ करने से कुछ नहीं होगा तो आप मत करो। सीधा सीधा मुद्दा यह है कि आप अगर कोई आदमी आवाज उठाने की कोशिश कर रहा है तो यह आपको डिसाइड करना है, आपको उसकी आवाज दबाने वाले लोगों के साथ खड़ा होना है या उस आवाज को और आगे ले जाने के लिए खड़ा होना है, अब यह पूरा फैसला आपके हाथ में है। तो फिलहाल ध्यान रखिएगा कि इस जो हैंडल है #RRBExam कराओ, इसका दो तीन बातों का ध्यान रखिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि यह कैपिटल लेटर में ही करिएगा, जैसा लिखा हुआ है उसी में इसको रिट्वीट करिएगा, अदरवाइज क्या होगा, सब अलग अलग हैंडल बन जाएंगे और कुछ भी प्रॉपर तरीके से ट्रेंडिंग में नहीं जा पाएगा। मेरी कोशिश यह है कि किसी तरीके से यह आवाज सही ढंग से सही जगहों पर पहुंच जाए और लोग इसे समझ पाए कि नहीं, इससे लोगों को परेशानी हो रही है, इस एग्जाम के ना होने से, इस एग्जाम के क्लियर ना होने से वाकई में लोगों में परेशानी है। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं जो इससे त्रस्त है। अगर आप देखें तो मैंने जैसा कि एक आंकड़ा दिया था कि 2,41,00,000 लोगों ने लगभग फॉर्म भरे हैं ग्रुप डी और एनटीपीसी के लिए, तो लोगों का कहना था कि सर क्या दूसरा फॉर्म नहीं भर सकते? बिल्कुल भर सकते हैं, चलिए अमूमन हम ये आंकड़ा 1 करोड़ मान लेते हैं, बिल्कुल मैंने बिल्कुल बेसिक सा एक आंकड़ा 1 करोड़ मान लेते हैं, साधारण सा 1 करोड़ लोगों ने फॉर्म भरा है, इसका मतलब उनके परिवार में मां बाप होंगे, एक आध कोई भाई बहन मान लिया, तो 3 गुना तो अपने आप ये आंकड़ा हो जाता है। तो कम से कम 1 करोड़ परिवारों का तो सवाल है, 1 करोड़ फैमिली का सवाल है जो इससे परेशान हो रहे हैं, इस एग्जाम से जुड़े हुए। तो मैं सीधा सीधा यही कहना चाहता हूं कि जो लोग भी इससे परेशान हैं, जो लोग भी इसके लिए बारे में सोच रहे हैं, इस एग्जाम के बारे में, उनको मेरी थोड़ी सी मदद करनी पड़ेगी और इस मदद के जरिए उनकी भी अपने आप मदद हो जाएगी। मुझे मेरी मदद का मतलब यह नहीं है कि आप सिर्फ मेरी मदद कर रहे हैं, मेरे स्टूडेंट्स की मदद कर रहे हैं, जो मेरे पीछे चल रहे हैं उनकी मदद कर रहे हैं, और जो ये चैनल से जुड़े हुए लोग हैं उनकी आप मदद करने जा रहे हैं। तो हाल फिलहाल अगर आपको भी लगता है कि ये एग्जाम समय पर होना चाहिए और ये सिस्टम बदलना चाहिए, एक और सवाल मेरे पास आया था कि आरआरबी तो रेलवे के एग्जाम तो वैसे भी 3-4 सालों में होते रहते हैं, तुम क्यों इतना परेशान हो रहे हो? तो देखो यार, अगर कोई चीज ऐसे, तो अंग्रेजों ने भी हम पर शासन किया, तो क्या हम चाइना को शासन करने देंगे अपने ऊपर? जो चीज पहले से खराब है क्या उसे सुधारना नहीं चाहिए? अगर पहले 3-4 सालों में एग्जाम होता रहा है तो क्या जरूरी है आगे भी 3-4 सालों में एग्जाम होता रहे? दुनिया जाने कहां तो कहां पहुंच गई, 5G ले आई है दुनिया, और आप अभी भी 3-4 साल वाले एग्जाम के लिए पैटर्न पर ही उसको समर्थन करते हैं? कैसे लोग हो यार तुम लोग, मतलब ऐसा सोच कैसे सकते हो कि पहले भी 3-4 साल में होता है तो फिर से 3-4 साल में हो गया तो कौन सी बड़ी बात है यार? कभी तो सुधारो, कभी तो सुधारना पड़ेगा, किसी ना किसी को तो उठना ही पड़ेगा, किसी ना किसी को तो आगे आना ही पड़ेगा ना। मैं क्यों आगे आ रहा हूं, क्यों मैं इसलिए आगे आ रहा हूं, क्योंकि मुझे अपने स्टूडेंट्स की चिंता है, मुझे चिंता है उन लोगों की जो, अगर आप देखो तो मैं कम से कम 4 बार तो सिलेबस कंप्लीट करा चुकी है हमारी टीम, और फिर भी उसके बाद क्या है, एग्जाम होने का नाम नहीं ले रहा, लोगों की इंटेंसिटी डाउन हो रही है, लोगों का जो भी
एक ऊर्जा होती है वो नकारात्मक ऊर्जा में बदलने लगी है, एक सकारात्मक ऊर्जा की नौकरी होगी चलो शुरुआत करेंगे वो नकारात्मक ऊर्जा में बदलने लगी है, तो क्या इसमें चेंजमेंट नहीं आना चाहिए? क्या मैं गलत हूं? और अगर आपको लगता है मैं गलत हूं तो आप क्या कर सकते हो, आप अपनी बात रख सकते हो, ठीक है। दूसरा, एक सज्जन ने मुझे कहा कि यार देखो तुम ज्यादा नेता नहीं बनो वरना तुम्हें इतने जूते पड़ेंगे तुम्हारे बाल जो होंगे वो एक भी नहीं बचेंगे। भाई देखो मैं गांधी के देश का आदमी हूं, तुम्हें अगर जूते मारने का शौक है तो मार लो आके, यहीं राहुल मेरा नाम है, पाठशाला का ऑफिस यहीं कानपुर कल्याणपुर में, आओ जितने जूते मारने हैं मार लो, मैं अहिंसा का पुजारी हूं कर लो। लेकिन हां, इस तरह से फोन करके या इस तरह की धमकी कमेंट में लिखने का कोशिश दोबारा मत करना, क्योंकि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मैं भगत सिंह की बातों से सहमत नहीं हूं, मैं भगत सिंह की बातों से भी सहमत हूं। तो हाल फिलहाल ये कुछ अलग हो गया, तो फिलहाल शेयर करिए और ज्यादा से ज्यादा इसको ट्रेंड करिए, और ये है आरआरबी एग्जाम कराओ और फिर देखिए इसका इफेक्ट क्या आता है, और फिर हम सब मिलकर अगर एग्जाम होगा तो उसकी तैयारी फिर से करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, बाय बाय।